हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटनेस यूट्यूब चैनल। कैटनेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अर्शिया। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ टैली प्राइम में कॉस्ट सेंटर और कैश कैटेगरी को यूज़ करके हम उसमें कैसे ट्रांजैक्शंस बना सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कैसे उसमें कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को एनेबल करना है, एनेबल करने के बाद कैसे उसमें लेजर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। पार्ट टू में मैंने आपको बताया था कैसे कॉस्ट कैटेगरी प्रिपेयर कर सकते हैं। पार्ट थ्री में आपको मैंने बताया था कैसे कॉस्ट सेंटर प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को लेके हम ट्रांजैक्शंस कैसे करेंगे आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ट्रांजैक्शंस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अकाउंटिंग वोचेस में आना है। अकाउंटिंग वोचेस में आने के बाद आपको इधर पे डबल एंट्री में चाहिए तो आप डबल एंट्री में कर सकते हो, सिंगल एंट्री में चाहिए तो आप सिंगल एंट्री में कर सकते हो। मैं इधर पे डबल एंट्री में कर रही हूँ। तो अभी देखिए, फर्स्ट मैंने क्या किया, उधर पे कंप्यूटर लिया है, फर्नीचर कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर में मैंने ऐड किया है। सोचिए मैं अपनी कंपनी के लिए कुछ फर्नीचर परचेस कर रही हूँ, उस फर्नीचर को परचेस करने के लिए क्या करना है। उसके लिए अभी मैं कुछ फर्नीचर परचेस कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं इसको किस में लूँगी, पेमेंट में ले रही हूँ। तो इधर पे डेबिट क्या हो रहा है, एग्जांपल इधर पे डेबिट फर्नीचर हो रहा है तो मैं इस फर्नीचर को सेलेक्ट कर लूँगी। जैसे कि एग्जांपल मैं क्या कर रही हूँ, इधर पे 60,000 से क्या कर रही हूँ, फर्नीचर परचेस कर रही हूँ। अभी इधर पे देखिए कॉस्ट अलोकेशन फॉर फर्नीचर अप टू 60,000 इधर पे डेबिट हुआ है। तो कैश कैटेगरी मुझे इधर पे ऐड करना है फर्नीचर। तो इधर पे क्या मुझे लेना है, कॉस्ट सेंटर इधर पे मुझे ऐड करना है तो मैं ऑफिस टेबल्स में एक 20,000 ऐड कर लूँगी। अगेन ऑफिस टेबल्स में 20,000 ऐड कर रही हूँ। ऑफिस चेस में मैं इधर पे एक 20,000 ऐड कर लूँगी। अगेन कंप्यूटर टेबल्स को मैं कितना ऐड कर लूँगी, कंप्यूटर टेबल्स में एक 10,000 ऐड कर लूँगी। एंड अगेन कंप्यूटर चेस में मैं कितना ऐड कर रही हूँ, ये 10,000 ऐड कर रही हूँ। ओवरऑल कितना हो गया, 60,000 हो गया। तो एंटर दीजिए। उसके बाद क्रेडिट हो रहा है तो मैं एक बैंक अकाउंट डायरेक्टली प्रिपेयर कर लूँगी। जैसे कि मैं बैंक अकाउंट में ले रही हूँ केनरा बैंक कम्स अंडर बैंक अकाउंट। तो मैं इधर पे बैंक अकाउंट क्रिएट करके एक्सेप्ट कर लूँगी। एक्सेप्ट करने के बाद इधर कितना क्रेडिट हो रहा है, 60,000 इधर क्रेडिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है कितना, 60,000 फर्नीचर आइटम्स डेबिट हो रहा है। तो इधर पे आप नरेशन ऐड करना चाहते हो तो नरेशन ऐड कर सकते हो, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, एंटर दीजिए। तो सेकेंड एंट्री में मैं और एक एंट्री आपको एग्जांपल के लिए मैं करके दिखाऊंगी। जैसे कि मैं अपने कंपनी के लिए कुछ कंप्यूटर्स परचेस कर रही हूँ तो ऑफकोर्स वो पेमेंट में आएगा। तो डेबिट में मुझे क्या लेना है, इधर पे कंप्यूटर लेना है। कंप्यूटर कितने को मैं परचेस कर रही हूँ, 1 लाख का कंप्यूटर मैं इधर पे परचेस कर रही हूँ। नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर कैटेगरी में आपको लगाना है कंप्यूटर। कंप्यूटर में मैं ले रही हूँ फ्रॉन्टेक को मैं दे रही हूँ 40,000। अगेन डेल को मैं ले रही हूँ 60,000। ओवरऑल कितना हो गया, 1 लाख हो गया। क्रेडिट हो रहा है इधर से, कैश से हो तो कैश से ले सकते हो। मैं इधर पे कैश नहीं ले सकती हूँ बिकॉज मेरा ओपनिंग बैलेंस नील है। मैंने पेमेंट किया है कैनरा बैंक से तो मैं कैनरा बैंक ही सेलेक्ट करके 1 लाख इधर पे कर रही हूँ। कंट्रोल ए करके इसको क्या कीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी के जस्ट मैंने आपको दो एग्जांपल बताए हैं। आप ऐसे ही आपका जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो, आप परचेस कर रहे हो या फिर आप सेल कर रहे हो, उसी के बेस में आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को प्रिपेयर करके आप इस तरह से ट्रांजैक्शंस मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपकमिंग वीडियो में मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक बताती रहूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। बाय बाय।